नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं आवाज आप तक। पश्चिम बंगाल के पूर्व सीएम और सीपीआईएम नेता बुद्धदेव भट्टाचार्य का लंबी बीमारी के बाद गुरुवार सुबह कोलकाता में निधन हो गया। बेटे सुचेतन भट्टाचार्य ने बताया कि तबियत खराब होने के बाद बुद्धदेव को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, हालांकि उनकी हालत में कोई भी सुधार नहीं हो रहा था और गुरुवार को उन्होंने अंतिम सांस ली। मोहम्मद सलीम ने कहा कि पूर्व सीएम बुद्धदेव भट्टाचार्य की अंतिम यात्रा गुरुवार को नहीं निकलेगी। सीपीएम के राज्य सचिव ने कहा कि बुद्धदेव के पार्थिव शरीर को गुरुवार सुबह कुछ देर के लिए अपने पाम एवेन्यू स्थित घर पर रखा जाएगा और बाद में संरक्षित किया जाएगा। बुद्धदेव का पार्थिव शरीर शुक्रवार सुबह 10 बजे अलीमुद्दीन स्ट्रीट स्थित कार्यालय में लाया जाएगा। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने गुरुवार को मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता बुद्धदेव भट्टाचार्य के निधन पर उनके घर पहुंचे, उनके परिवार से मिला और शोक व्यक्त किया। ममता बनर्जी ने कहा कि वो भट्टाचार्य के निधन से स्तब्ध और दुखी है। बंगाल में तेजी से बढ़ रहे डेंगू के मामले में जनवरी में अब तक 2000 से ज्यादा लोग संक्रमित। बंगाल में डेंगू के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। जुलाई के अंतिम सप्ताह में ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 500 लोग मच्छर जनित इस संक्रमण से चपेट में आए हैं। राज्य स्वास्थ्य विभाग ने एक अधिकारी ने गुरुवार को ये जानकारी दी। हालांकि अधिकारी ने बताया कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। राज्य में जनवरी से अब तक कम से कम 2640 लोगों में ये संक्रमण पाया गया। विनेश फोगाट को मिले भारत रत्न या बनाया जाए राज्यसभा सांसद, टीएमसी ने केंद्र सरकार से की मांग। विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक में महिलाओं की 50 किलोग्राम कुश्ती फाइनल में पहलवानी विनेश फोगाट को अयोग्य ठहराए जाने के खिलाफ साजिश के आरोप में 20 तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी ने मांग की कि उन्हें भारत रत्न दिया जाए। अभिषेक ने कहा कि उन्होंने जो भारी संघर्ष किया है उसे देखते हुए हम उनके लिए कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं। न्यूटाउन थाने की पुलिस ने एक गेस्ट हाउस में छापा मारा और 26 लोगों को हिरासत में लिया, जिसमें एक युवती भी शामिल है। पुलिस को सूचना मिली है कि न्यूटाउन बीडी ब्लॉक के एक गेस्ट हाउस में कुछ युवक युवतियां ये फ्रॉड चला रही थी। सॉफ्टवेयर बेचने के नाम पर फॉरेनरों को ठग रहे। रेलवे ने किया है बड़ा ऐलान। जिन लोगों ने सोचा था कि पूजा के दौरान वो परिवर्तक यात्रा पर जाएंगे, या वे सभी यात्री जो देश के विभिन्न हिस्सों में अपने कार्यस्थलों के से पूजा की छुट्टियों पर घर लौटना चाहते हैं लेकिन ट्रेन टिकट बुक नहीं कर सकते, परेशान थे, कोई चिंता नहीं। पूर्वी रेलवे पूजा यात्रा के लिए टिकट बुक करने का एक और मौका दे रहा है। पूजा के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए पूर्व रेलवे ने 1 अक्टूबर 2024 से 1 दिसंबर 2024 तक 9 अलग अलग रूटों पर पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। इस सुनहरे अवसर का उपयोग करने अपनी पूजा यात्रा को यादगार बनाए। स्वर्गीय कॉमरेड बुद्धदेव भट्टाचार्य का शोक कार्यक्रम अगस्त 9 2024 सुबह 10:30 बजे पीस वर्ल्ड से असेंबली के लिए प्रस्थान करेगी। विधान भवन में 11 बजे से 11:30 बजे तक, मुजफ्फर अहमद भवन में दोपहर 12 बजे से 3:15 तक, दिनेश मजुमदार भवन में 3:15 से 3:30 बजे तक, देहन दान के लिए दिनेश मजुमदार भवन से 3:30 बजे निकलकर नीरतला सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में अंतिम यात्रा 4:00 बजे। ऐसे ही तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए आवाज़ आप तक सच के साथ। रोज़ 8 बजे आपके लिए मौजूद रहेगी आवाज़ आप तक की टीम ऐसे ही 10 बड़ी खबर लेके।